आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, तुम्हारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, राइट। ये कुछ ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, तो हमें बेसिकली इसमें जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं इनमें से कोई एक फिल करना है इसमें अकॉर्डिंगली। लेट्स सी, इसमें पहला है, इफ अ वायोलिन स्ट्रिंग इज प्लग स्ट्रॉन्गली इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डैश एंड द नोट हर्ड इज डैश। तो बेसिकली इसमें हमें गिवन है कि अगर एक वायलिन है और उसकी एक स्ट्रिंग है, लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग, और मैंने इसे एक प्लकर से बहुत तेज प्लक किया, राइट। लेट्स से ये था प्लकर एंड आई प्लग इट स्ट्रॉन्गली, तो ये काफी जोर से वाइब्रेट होगी इन अप एंड डाउन डायरेक्शन, राइट। स्ट्रॉन्गली लिखा है तो यानी बहुत तेज प्लक किया, तो इट विल वाइब्रेट वेरी स्ट्रॉन्गली इन अप एंड डाउन डायरेक्शन। एंड स्ट्रॉन्गली मतलब इतना फोर्स लगाया प्लग से, प्लकर से, कि इसकी जो बेसिकली डिस्टर्बेंस है अपनी मीन पोजीशन, ये इसकी अगर मीन पोजीशन थी रेड वाली, तो इसकी जो डिस्टर्बेंस है, दिस जो भी डिस्टेंस जितना ऊपर ये वाइब्रेट हुई मैक्सिमम, ये काफी ज्यादा होगा। और ये डिस्टेंस को ही तो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये इस मीन पोजीशन से इस डिस्टेंस को वी कॉल इट द एम्पलीट्यूड। बेसिकली पूछा इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल इंक्रीज, ऑफकोर्स इंक्रीज, पहले का आंसर तो इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गली हमने उसको प्लग किया है, तो इंक्रीजेस। एंड द नोट हर्ड इज डैश, लाउडर और सॉफ्टर। तो बेसिकली हमें एक रिलेशन जान लेना चाहिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी मतलब लाउडनेस, इंटेंसिटी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाउडनेस इज, और हमें एम्पलीट्यूड और लाउडनेस के बीच में बेसिकली रिलेशन चाहिए। तो बेसिकली लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मैथमेटिकली देखेंगे तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसका मतलब जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस भी काफी बढ़ेगी, और लाउडनेस तो उसका स्क्वायर टाइम्स में बढ़ रही है, तो इसका आंसर होगा द नोट हर्ड इज ऑल्सो वेरी लाउडर, राइट, लाउडर। एंड देन इट इज सेड दैट इफ इट इज प्लग्ड लाइटली, यानी काफी धीरे इसको प्लग किया इस बार, तो अगर इसकी ये मीन पोजीशन थी स्ट्रिंग की एंड अब उसको हमने काफी धीरे प्लग किया, यानी कि इसकी वाइब्रेशंस भी बहुत छोटी छोटी होंगी अब, राइट, वाइब्रेशंस बहुत छोटी होंगी, ज्यादा ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी नहीं, आवाज भी इसकी कम आएगी। मैंने इसको प्लग किया तो देखिए मीन पोजीशन से कितनी कम है वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट इसकी मीन पोजीशन से कितनी कम है, तो अगर वाइब्रेशन प्लग लाइटली हुई है तो एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीजेस, यानी कम होगा। एंड द नोट हर्ड, जैसे कि अगर मैंने दिखाया कि अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम होगी, तो अगर वो नोट जो है वो कम लाउड है, इसका मतलब वो सॉफ्ट है, राइट। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट का आंसर इंक्रीजेस आया, सेकेंड डैश का आया था हमारा लाउडर, थर्ड का हमारा आंसर आया था डिक्रीजेस, एंड फोर्थ का हमारा आंसर आया सॉफ्टर। तो दिस इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।